आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम आदमी का रूटीन ऐसा हो गया है कि आए दिन उसे कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। फिर वो अलग अलग डॉक्टर के पास जाता है, वहां पर टेस्ट में उसके काफी पैसे खर्च होते हैं, समय भी बर्बाद होता है, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले भी लेकर आए थे और आज एक बार फिर से लेकर आए हैं नरेला में। और नरेला में लामपुर रोड है, लामपुर रोड के पास ये अंडरपास है, अंडरपास के ऊपर और जो दिल्ली नगर निगम का अस्पताल है ठीक उसके सामने, यहाँ पर निंदू पहलवान और मनीष पहलवान जो उनके बेटे हैं, जो सारा कामकाज देख रहे हैं, उनका यहाँ पर क्लिनिक है। और आपको चाहे सर्वाइकल है, चाहे जोड़ों में दर्द है, चाहे गठिया बाय है, चाहे नले और नाभि में परेशानी है, चाहे चणक है या धरण है या चोट है या आपके मोच लग गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले भी तस्वीर दिखाई थी और आज एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पर लगातार इलाज करवा रहे हैं, चाहे आपको लकवे की परेशानी है, चाहे अधरंग की परेशानी है, उन सारी समस्याओं का यहाँ समाधान होता है। और तकरीबन 22 सालों से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनकी दवाई जाती है, लोग उनसे संपर्क करते हैं। आप देख सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव हों, चाहे आचार्य देवव्रत हों, चाहे सेना के अधिकारी हों, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हों, या और तमाम मौजूद लोग हों, उन्होंने बकायदा निंदू पहलवान और मनीष पहलवान को सम्मानित किया हुआ है, उनके कामकाज को लेकर, उनकी सेवा को लेकर, उनके जज्बे को लेकर। और यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं इनको बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वक्त रहते वो यहाँ पर पहुंचे, उनका इलाज हुआ, आज वो बिल्कुल ठीक है। किस चीज की ताऊ जी आपको परेशानी थी, बैठे रहिए आप, किस चीज की परेशानी थी? और मेरे इस नस में है ना दर्द रहता था, काफी दवाई खाई बनाया, छोटे बड़े हॉस्पिटल में गया, कोई आराम नहीं हुआ, ना उठने का ना बैठने का, ऐसा जी करा था जो गोई खा कर मर जाए तो वो अच्छा है, कोई आराम नहीं। अब मैं यहाँ 5-7 बार आया हूँ, अब मेरा का इतना फर्क है, चलने में भी और उठने बैठने में भी काफी मेरे को आराम है, लोगों को आराम मिल रहा है। और लोगों से भी बात करते हैं, ताऊ जी आपको क्या परेशानी थी और अब क्या? मेरे पेट में मरोड़ी रह दी, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ, मैंने काफी अपने पहलन के हॉस्पिटलों में काफी दवाई ली, कोई आराम नहीं लगा। मेरे एक साथी ने बताया कि नींद पहलवान के वहां से ले जाओ और जाते हैं ठीक हो गए, तो मैं एक महीने के अंदर ऐसा हो गया बिल्कुल ठीक, ऐसे दवाई मैंने तो देखी नहीं ना, मैं पहलन के हॉस्पिटलों में घूमे, ज़्यादा टाइम खराब किए, पैसे भी खराब किए, यहाँ आके निंदू पहलवान साहब ने बिल्कुल ही ओके कर दिया मेरा तो पेट, धरण भी रहे थी, कोड्डी भी रहे थी, मरोड़ी रहे थी, बार बार लैट्रिन, बुरा हाल रहा था। ये वो तमाम लोग हैं जहाँ जो अलग अलग अस्पतालों में गए, अपना समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन ये आते हैं निंदू पहलवान मनीष पहलवान के पास और यहाँ पर उन्हें राहत भी मिलती है और पैसे की भी बचत होती है। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या थी? नारी गांव से आया जी, मेरे को सर्वाइकल हो गया था जी, यहाँ गर्दन में जो है ना बहुत ज्यादा दर्द है और फिर यहाँ हाथ में आ जाता था, मेरी गर्दन ऐसे भी नहीं होती ना, हाथ छूटता था, तो मैं कई बार दिल्ली हॉस्पिटलों से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से भी दवाई लेके आया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। तो हमारे गांव के ही हैं वैसे, लेकिन मैं किसी कारण आ नहीं पाया था निंदू पहलवानी के पास, और अब मैं निंदू पहलवानी के पास तीसरी बार आया हूँ, मेरे को बहुत आराम है जी, बहुत ही आराम है। तो लोगों की अब मैं हाथ भी उठा सकता हूँ, गर्दन भी मेरी ऐसे अच्छी तरह, मेरे को अब मैं तीसरी बार ही आया हूँ, बहुत आराम है। तो आपने लोगों की जुबानी खुद सुना कि लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। आपको क्या परेशानी थी, कहां से आप आए हैं और क्या फर्क नजर आया? मैं जी अशोक कुमार सोनीपत से आया हूं, मेरा काम है न्यूट्रोपैथी का, वजना काम था, तो मेरी बार बार धरण दिखती थी, तो किसी ने मेरे को बताया निंदू पहलवान जी है, वो धरण का काम करते हैं, अब मैं उनके पास तीसरी बार आया हूँ, अब मेरी धरण भी रोक के ठीक है,
मैं कितने बजे उठा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं, उनका इलाज निंदू पहलवान और मनीष पहलवान करते हैं। आपके समय की भी बचत होती है, आपके पैसों की भी बचत होती है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मनीष पहलवान हैं वो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जिसे भी परेशानी होती है, उसका इलाज करते हैं। और आम इंसान आज की रूटीन लाइफ में इन बीमारियों से जकड़ा रहता है, चाहे वो धरण की बीमारी हो, चाहे वो नाभि की बीमारी हो, या नले की बीमारी हो, अधरंग हो, सर्वाइकल हो, और यहाँ आकर उन्हें राहत महसूस होती है। एक महिला और हैं, उनसे हम एक बार जान लेते हैं, कहाँ से आप आए हैं, क्या परेशानी थी और क्या आप फर्क समझते हैं, कितना आपको राहत मिली है? जी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मैंने काफ़ी जगह से दवाई भी खाई है, बहादुरगढ़ से आई हूँ मैं जी। तो इनके बारे में, नंदू पहलवान के बारे में मुझे पता चला था, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेकर, मैं आज दूसरी बार ही आई हूँ, तो काफ़ी आराम है मुझे पहली बार में ही। तो पहले के मुकाबले लोगों को आराम मिल रहा है, राहत मिल रही है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो फिर आप पूरे ठीक हैं, क्योंकि फिर आप मेहनत भी कर सकते हैं, फिर आप पैसे भी कमा सकते हैं, फिर आप इधर उधर भी जा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नरेला में लामपुर रोड है, वहां पर अंडरपास है, अंडरपास के ठीक बिल्कुल ऊपर जो दिल्ली नगर निगम का अस्पताल है, ठीक उसके सामने निंदू पहलवान और मनीष पहलवान, जो पिछले 22 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां और उनका इलाज यहां पर हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब पब्लिक की डिमांड पर निंदू पहलवान जी ने, जो पहले उनका क्लिनिक था, उसके साथ साथ एक अब फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल दिया है, और यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ सर्वाइकल का इलाज होता है, जोड़ों के दर्द का इलाज होता है, गठिया बाह का इलाज होता है, चोट मोच जो मांस फट जाता है उसका भी इलाज होता है। हमने पहले तमाम लोगों से बात की जो बहुत सारी समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और भी कई लोगों से हम बात करेंगे जो ढेर सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज के लिए आए और उसके बाद उन्हें राहत महसूस हुई, और यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ उनका इलाज किया जाता है। एक माता जी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। माता जी, क्या परेशानी थी? और घुटनों दर्द है। अब राहत है? पहले गोटे दूने डॉक्टर हॉस्पिटल में गई, फिर यहाँ आई, अब मेरे ठीक आ रहा हूँ। एक महीने कितना समय हो गया यहाँ पर आते हुए? एक महीना हो गया, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये आप फर्क देख सकते हैं, और इसी फर्क के लिए निंदू पहलवान हो, चाहे मनीष पहलवान हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके दूसरे बेटे हो, वो जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज बेहद अच्छे तरीके से होता है। एक अंकल जी और हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या परेशानी थी और क्या समाधान? मुझे डिस्क प्रॉब्लम हुई थी पीछे, कई जगह बड़े हॉस्पिटलों में दवाई ली, चेकअप करवाए, अच्छा खर्चा हुआ, लेकिन मुझे आराम नहीं हो पाया। फिर आखिर में आगे मैं यहाँ आया, अब मैं चल फिर सकता हूँ, बहुत रिलीफ महसूस है मेरे को, ये मानो लगभग ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, और एक व्यक्ति और है, उनसे हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ इलाज चल रहा है। क्या उन्हें परेशानी थी, क्या आपको समस्या आई, और क्या फर्क नजर आ रहा है जब आपने बाहर इलाज करवाया और यहाँ इलाज करवाया? मैं सर हरियाणा स्टाइल कबड्डी खेलता था, और इस खोए के अंदर, कंधे के अंदर एक चोट लगी थी, मैंने बहुत इलाज करवाया, ग्राउंड बिल्कुल छोड़ चुका था। फिर किसी ने बताया भाई पहलवान जी के पास और दिखाओ एक बार, मैं फिर यहाँ पहलवान जी के पास आया, इन्होंने कुछ दवाई, कुछ ट्रीटमेंट अपना जो देसी में होता है कुछ, ये फिर बोला भाई सिखाई होगी। अब मैं दोबारा ग्राउंड पर भी जा रहा हूँ, और यहाँ अपने वो न्यू मान लो जब सो गए सो कति ख़त्म हो गया था, अब 99% आराम हो चुका है, 1% की समस्या चल रही। पहलवान जी ने कही थी बोला भाई 10-15 दिन और करो आपको ओके कर देंगे बिल्कुल।
क्या इलाज, क्या परेशानी थी इनको, किस तरीके से इलाज करते हैं आप इनका? इनको जी कबड्डी खेलते हैं ये भाई, तो खेलते समय तो इंजरी हो गई थी कंधे में, तो इनका ग्राउंड छूट गया था बिल्कुल, ऐसे हो गए थे घर पे बैठ गए थे। तो फिर इनको किसी ने बताया कि पहलवानी से मिल लो एक बार आप, क्या बताओ आप वापस ग्राउंड में जा सको। तो ये पापा जी के पास आए हैं और अभी इनसे पूछो कितना आराम, इनको खुद ही बता रहे हैं ये। तो ये हम, मेरी माता जी या पिताजी बड़े भैया हैं, हम सभी यही काम करते हैं और भगवान का आशीर्वाद है, सभी परिवार सुरक्षित है हमारा और इसी काम में लगा हुआ है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कबड्डी प्लेयर हैं और इनके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है खेलना, खेल का मैदान। लेकिन उनके खेलने का मैदान जो है वो छूट गया था, लेकिन वो आते हैं निंदू पहलवान के पास, वो अपना इलाज करवाते हैं, राहत महसूस करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनकी पत्नी है वो यहाँ पर धरण निकालती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आती हैं जिन्हें परेशानी होती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन लगातार जब वो आती हैं तो फिर उनकी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। किस तरीके से क्या इलाज हो रहा है वो एक बार जान लेते हैं, क्या इलाज आप कर रही हैं और किस तरीके से आप लोग इलाज करते हैं? लेडीज का कोई भी हो, वो धरण हो, कोड़ी हो, नड़े हो, कुछ भी हो, उसका ये सारा सब इलाज होते हैं। इसको एक महीना हो गया, बहुत दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, अब ये खुद बता देंगे कितनी कितना इसका आराम है। पूछो एक बार क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या परेशानी और हल निकला है, बीमारी का इलाज हुआ है? काफ़ी आराम है, मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में घूमी हूँ, कोई आराम नहीं था, यहाँ आने के बाद मेरे बहुत आराम है। जैसे चट रही थी बहुत आराम, अब ऊपर कोड्डी भी धरण भी हाँ ऊपर चढ़ रही थी, बिल्कुल आराम हो गया। जैसे उल्टियाँ आनी है, जी घबराना है, पेट में दर्द रहना है, मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया है, कोई आराम नहीं लगा। फिर किसी ने बताया नंदू पहलवान के वहाँ जाओ, वहाँ एक डॉक्टर है, उन्होंने इलाज करवाया। तो एक अच्छी बात ये है कि महिला का इलाज यहाँ पर महिला ही करती है, जिससे एक जो कंफर्ट जोन होता है उसमें रहकर महिला अपना इलाज करवा सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक युवती जो यहाँ पर पहुँची हैं अपने इलाज के लिए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या समस्या आपको थी और आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? मेरे पेट में समस्या थी कोड़ी की, बार बार मतलब तबीयत खराब हो जाती थी, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, तबीयत ज़्यादा ही खराब रहती थी। तो मैं यहाँ आई, अब मुझे आराम है काफ़ी ज़्यादा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निंदू पहलवान, उनका पूरा परिवार यहाँ पर लोगों की जो तमाम बीमारियां हैं, तमाम समस्याएं हैं, उनके इलाज के लिए बैठा है। लामपुर रोड है नरेला में, वहां पर अंडरपास है, अंडरपास के ठीक बिल्कुल ऊपर, और दिल्ली नगर निगम का जो अस्पताल है ठीक उसके सामने उनका क्लिनिक है। और पब्लिक की डिमांड पर अब फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला गया है और यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ इलाज किया जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आपको मिलवाते हैं उन शख्स से जो लोगों की 22 सालों से सेवा कर रहे हैं। हम आपको नरेला में लेकर आए हैं और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी इन्हें सम्मानित किया है, ओम प्रकाश चौटाला ने भी सम्मानित किया है, योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर आचार्य देवव्रत तक जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं उन्होंने इनको सम्मानित किया है। मनीष पहलवान है और साथ ही साथ निंदू पहलवान जी हैं और तमाम लोगों की जो भी बीमारियां होती हैं उसका बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है और बड़ी दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। एक तो फिर समय की बचत होती है और साथ ही साथ पैसे की भी बचत होती है। मनीष पहलवान जी हैं, कितने समय से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियों का जो इलाज है वो यहाँ पर होता है? पहले तो भैया मानसू भाई आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार, और आप यहाँ पर हमारे को मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो मेरे पिताजी हैं निंदू पहलवान जी, वो 22 साल से इस कार्य में हैं और मैं भी इसमें 10 से 12 साल से साथ में कार्य करते हैं। और इसमें जैसे आज के समय में जो डिस्क समस्या है, सर्वाइकल है, ये इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट है।
जसडी समस्या में तो ऐसी ऐसी कंडीशन भी हो गया है, चेयर पाइप पर लेट आना पड़ गया है, चेयर पाइप पर लेट काम है और आजकल वे दौड़ लगा रहे हैं। तो उसमें जो अपने मन के होते हैं ना डिस समस्या में L3, L4, L5 99% तो इन मनकों के बीच में नस दबती है, उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं मशीनों के द्वारा भी सेट करें, हाथ से भी करते हैं और दवाई देते हैं उसमें आयुर्वेदिक देसी, उसका 100% इलाज है। जैसे खाली डिस समस्या का नहीं, उसमें साथ में सर्वाइकल हो, गठिया बाह हो, जोड़ों का दर्द हो, लकवे का भी कैसा पेशेंट हो, चाहे कितना ही पुराना लकवा हो, नड़े धरण कोडी और भी जिनसों की रुकावट है उसका इलाज करते हैं 100%। तो सुना है विदेश भी दवाइयां आप यहां से भेजते हैं, किस तरीके से वहां के लोग आपसे संपर्क करते हैं? आप पिछली बार आए थे, कम से कम 1.5-2 साल हो चुका, तो आपके उस वीडियो से भी हमारे से अमेरिका से इटली से कई जगह से पेशेंट वहां से संपर्क कर लेते हैं, वीडियो कॉल से उसकी परेशानी पूछ लेते हैं और वहां पर दवाई भेज देते हैं डाक के द्वारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का रिजल्ट अच्छा मिल रहा है उनको। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां और उसका समाधान कुछ ही दिनों के अंदर, निंदू पहलवान जी से बात कर लेते हैं, इस शख्सियत का इंतजार आप सभी को भी होगा। निंदू पहलवान जी नमस्कार, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनने वाले सभी मेरे दर्शकों को, जहां तक मेरी आवाज आ रही, सबको नमस्कार, छोटों का आशीर्वाद और पत्रकार भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। 22 साल हो गए हैं आपको लोगों की समस्याएं हल करते, बीमारियों का इलाज करते, किस किस तरीके के लोग आते हैं, क्या क्या समस्या लेकर आते हैं, कहां कहां से आते हैं? ये पत्रकार भाई विदेश से पेशेंट है हमारे पास, ऑल इंडिया से पेशेंट हैं, और ये तकरीबन हमने तो इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया। मानसू भाई, मैं माता जी मेरी गाँव में छोटा रहा था, जब धरण उठाती थी, कोटी उठाती थी, और ये पेट का कोई भी वो हो तो, अभी भी मेरी माता जी 85 साल की हैं और अभी भी गांव में औरतें उनके पास आती हैं, तो माँ से ही हमने ज्ञान सीखा और फिर कुछ पढ़ाई भी करी। उसके बाद में जो नले धरण के लिए मैं 2 मिनट का टाइम चाहूँगा दर्शकों को, ये जो पूरी वीडियो में हमारी में कोई भी जैसे धरण उठाती उठा रही मेरी मिसेज, बेटा ये चणक तोड़ रहा था, सबसे पहले तो स्टंट को कोई भी भाई करके ना देखे, घर पर वैद ना बने, हमारे से जो मदद चाहोगे निस्वार्थ मिलेगी। कई बार इस कमेंट को देख कर घर पर झटका देने लग जाते हैं, गर्दन खराब हो जाएगी भाई, कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे आवाज़ को सुन रहा हो तो कोई भी इस किस्म का स्टंट करके ना देखे, सलाह ले लें, निस्वार्थ सलाह दी जाएगी। नले के लिए जैसे और नाल, जब बच्चा शिशु होता है 60 से 90 दिन का, जब उसकी ओर नाल पड़ के माँ की नाभि से जुड़ जाती है, माँ के पेट में जब तक शिशु होता है तो पूरा का पूरा ओर नाल से ही खुराक जाती है। भगवान ने 9 दरवाजे लगाए किस काया में, और 10वें द्वार से ये 9 के 9 बंद होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं। देखो ना कितना बड़ा पत्रकार जी चमत्कार है, अगर मातृ शक्ति 100 साल की हो जाए, अगर माँ ना बने तो उसके सतन से दूध नहीं आएगा, और कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा है, जब बच्चा पैदा हुआ, शिशु पैदा, उससे पहले माँ के सतन में उसकी खुराक भेज दी भगवान ने, माँ के सतन में दूध आ गया। जैसे ही शिशु 9 महीने का होगा बाहर आया, उसकी ओर नाल को धागा बांध के काट दिया जाए, ये नला बंद हो गया, सारे दरवाजे चालू हो गए। सबसे पहले माँ की गुट्टी दी गई, सारी आंखें खुल गई, कान खुल गए, सब जो 9 के दरवाजे थे काम करना शुरू कर दिया। कई बार छोटे बच्चे को पत्रकार जी 1 साल तक के 2 साल तक के बच्चे को एक हाथ से पकड़ के उठा दे, लाड में उठा लें, कई बार मातृ शक्ति दूध पिलाते पिलाते पलटा को पिला दें, उससे बच्चे का नला खिंच गया है। लेकिन उसको जब पता नहीं लगता, जैसे जैसे पनपता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो तब जाकर उसकी पता लगेगा कि इसको तो नले की धरण की दिक्कत होगी। तो हमने लाखों पेशेंट ऐसे ठीक कर रखे हैं, नले के, धरण के, कोडी के, सर्वाइकल के, डिस समस्या के, लकवे के। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, नशे के प्रति हमारे पास कम से कम 5,000 लड़के ऐसे हैं जो ठीक कर रखे हैं,
शराब का, स्मैक का, सुल्फे का, भांग का, दतूरे का, कोई भी नशा हो चैलेंज के साथ छटवाएंगे। समाज के लिए सबसे पहले अपना घर मजबूत, देश मजबूत, प्रदेश मजबूत, जो भी बलिदान दिया जाए देश के लिए वो अच्छा है। और नशा बिल्कुल जड़ से खत्म कर कम, आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नशा कर रहे थे, बाद आर्मी में गए, पुलिस में गए, उनके घर वाले आज भी ऐसा मान रहे हैं। ये सारी निस्वार्थ सेवाएं हैं। और हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं, कोई भी भाई अगर हमारे से जो मदद चाहता हो निस्वार्थ सलाह दी जाएगी। घर पर भी अगर कोई भाई अपना उसका ये चाहेगा तो हमारे नंबर स्क्रीन से लेकर संपर्क कर ले। जय हिंद, जय माता की। ना सिर्फ बीमारियों का इलाज होता है बल्कि जिंदगी भी सुधार दी जाती है, क्योंकि 5000 से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें नशे की लत थी और उनकी नशे की इस बीमारी को छुड़वा दिया और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। निंदू पहलवान जी, मनीष पहलवान जी, और आपको आना है अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लामपुर रोड जो नरेला के अंदर पड़ता है। आप यहाँ पर पहुँचेंगे, अंडरपास है, अंडरपास के ठीक बिल्कुल ऊपर दिल्ली नगर निगम का जो अस्पताल है ठीक उसके सामने, और अब फिजियोथेरेपी सेंटर भी खुल चुका है। तो आपकी जितनी भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, वो यहाँ पर आकर ठीक हो सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।